क्लास 9 हिंदी साहित्य संचयन चैप्टर 9 रामदास कविता, जिसके कवि रघुवीर साय जी हैं, उन्होंने इस कविता में सत्ता और राजनीति में एक ईमानदार व्यक्ति जो सच बोलता है वह किस तरह से गुंडे तंत्र का शिकार होता है, राजनीतिक गुंडे तंत्र का शिकार होता है, इस बारे में बताया है और हम सब आम जनता को सावधान भी किया है। इस कविता में रामदास एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान ईमानदार व्यक्तियों से अलग नहीं है। रामदास जैसा व्यक्ति जब सच बोलने की हिम्मत करता है और अन्याय के विरुद्ध लड़ता है तो वह किस प्रकार गंदी राजनीति का शिकार होता है, इस बारे में बताया गया है और उसे सच बोलने पर किस प्रकार धमकाया जाता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। प्रस्तुत अंश में जो है कवि रामदास की दयनीय दशा का बारे में यहाँ बताता है। रामदास धीरे धीरे अपनी जो वध स्थल है, जब मौत का जगह जो है उसके और बढ़ता जा रहा था। पहले उसने अपने साथ किसी को साथ लेने की बात सोचती है, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपना विचार जो है वह बदल लेता है। शायद वह जानता था कि किसी के साथ होने से भी उसकी परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दरअसल जो है सड़क पर वह अकेला तो था नहीं, वहाँ पर जो है कि अनेक लोग जो है सड़क पर जो है मौजूद थे, वे सभी जो है चुप थे, समस्त जो लोग थे वह निहत्थे थे। उन तमाम लोगों को रामदास का हत्या के बारे में जो है हत्या होगा इस बात के बारे में पता था। तो इस पंक्ति में रामदास की असहाय और करुण दशा के बारे में बताया गया है और हर पंक्ति में जो है देश की बदतर होती जा रही स्थिति का दशा का बयां किया। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फब्बारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। यहाँ पर जो है कवि रामदास के हत्या का जो दृश्य होता है उसके बारे में बताया है। गली से जो है हत्यारा बाहर निकलता है, रामदास का नाम पुकारता है और उसके बाद वह अपने हाथ तौलकर चाकू से रामदास के ऊपर वार करता है और वार करते हुए उसकी देह से खून का जो है फव्वारा निकल पड़ता है। तमाशा बनकर लोग उसकी हत्या को होते हुए देखते हैं। खड़ा हुआ वह भी सड़क पर दोनों हाथ पेट पर रखकर सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आँख गड़ाए लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। प्रस्तुत अंश में कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी ने रामदास की करुण दशा का को बताया है। रामदास जो है सड़क के बीचों बीच खड़ा रहता है, उसके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं रहता। वह अपने बचाव के लिए अपने हाथ के हथेलियों को पेट पर रखकर ढक देता है। वह सधे कदमों से आगे चलकर आता है। वहाँ खड़े लोग जो है वह डर से सहम जाते हैं, लेकिन तमाशा बनकर वह रामदास की हत्या को होते हुए देखते हैं। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास, यह देखो देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रह लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। प्रस्तुत अंश में कवि ने दर्शाया है कि
इस व्यवस्था में हत्यारे जैसे देश की इस व्यवस्था में हत्यारे कितने बेखौफ हो करके रामदास की हत्या कर गए। रामदास की हत्या का अंजाम देखकर हत्यारा जो है भीड़ को चीरते हुए वहाँ से चला जाता है और जो रास्ते पर जो है मुख्य रास्ते पर जो है रामदास का मुख्य रास्ते के बीचों बीच जो है रामदास का लाश पड़ा रहता है। भीड़ में खड़े लोग जो हैं उनको उन्हें बुलाकर यकीन दिला रहे थे कि देखो जिस जिन्हें उसकी मौत का जो सूचना पर संचय था वह देख सकते हैं कि उसकी हत्या हुई है।